हेलो दोस्तों, ये एवरेज का टॉपिक है आपका। ऑलरेडी आप इससे पहले का वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ए क्लास द एवरेज एज, एवरेज एज की जगह एक्चुअली एवरेज वेट है ये, ठीक है। यहाँ पे चले जाइए, इसको एज को हटा के वेट लिखना है। एवरेज वेट इज ऑफ 43 केजी। If 4 students get enrolled and the average weight will be 42.5, the weight of 4 new students are 42, 36.5, 39, 42 kg. Find the number of students in the class. तो बोलता है कि average जो है weight है 43 kg और 4 नए student आए तो उसका weight जो है 42.5 kg हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ भी एज नहीं है, ये वेट है, ठीक है। बोलता है कि जो वेट क्या है वो भी लिखा हुआ है, आपको बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग को दो तरीके से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जो अच्छा लगा वैसे बना लेना, ठीक है। तो पहला है कि स्टूडेंट पता है आपको कितना है, एवरेज पता है ना 43 है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो उसको हम एक्स मान लीजिए, ठीक है। और ये जो चारों है इसको ऐड कर लीजिए तो 160 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इन चारों को ऐड करके लिख लीजिए 160, यानी एवरेज जो था हमारा एक्स था उसमें चार लोग और आ गए ना, सॉरी एवरेज नहीं, जितना स्टूडेंट था हमारे पास तो वो एक्स था, उसमें चार और नए आ गए तो एक्स प्लस 4 हो गया। तो नया क्या एवरेज बन गया है, वो है 42.5। अब आपको खाली सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा तो एक्स का वैल्यू 20 आ जाएगा। एक और तरीका है, दूसरा तरीका देखिए, ये आपको मैं पहला मेथड से बना के दिखाया, दूसरा मेथड आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां x मान लीजिए, इसका 43 kg है, चार नए बच्चे आए हैं स्टूडेंट, उनका एवरेज पूछ रहा है, 160 बाई 4 कर दीजिएगा तो 40 आ जाएगा ना, 160 बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अरे यार इसको देखो 160 हुआ, बाई 4 कर दीजिए, आया ना इतना, ठीक है। और कितना है आपका, यहाँ लिखा हुआ है नया जो बनेगा वो बनेगा 42.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 43 माइनस 42.5 प्लस 0.5, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2.5, क्लियर हो गया। दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ हो जाएगा क्या x, ये प्लस करके इतना लिख लो और इतना इंटू कितना है 4 है इक्वल टू 0 कर लो। अब आप x सॉल्व करोगे तो यहां से भी 20 आ जाएगा। जो आपको तरीका है बनाने का उससे बनाइए, आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन इन द फ्यू इनिंग आर 21.75, इफ द नेक्स्ट 3 इनिंग्स द स्कोर आर 28, 34, 37, द एवरेज स्कोर इंक्रीजेज बाई 1.125, द नंबर ऑफ द इनिंग पूछ रहा है, कितना इनिंग वो खेला है। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं। 43 लिख लिया, 43 लिख लीजिए, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ 43 उसका जो है सॉरी 43 नहीं है, रॉन्ग, पूरा मिटा लीजिए, यहां से लिखिए, उसने कुछ इनिंग खेला होगा, उस इनिंग का एवरेज है 21.75, ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद उसने 3 बार नया इनिंग खेला है तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा 90, डिवाइड बाय 3 कर लो आ जाएगा 99, तो 33 हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू एवरेज क्या है 21.75, बट नया में क्या हो जाएगा, नया एवरेज क्या हो जाएगा 1.125 भी तो है नीचे लिखा हुआ, वो ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 22.875, क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना है,
अब क्या होगा 21.75, यहाँ x लिखिए, x सीलिंग था ना, तो मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, प्लस आपका कितना है, सॉरी एक काम कर लीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, आप क्या 22.875 को 21 माइनस 21.75 माइनस 22.85 अगर आप घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस 1.125, अब मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लीजिए, प्लस ये कितना 33 को अगर आप माइनस 22.87 करिएगा तो 10.125 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 27, ठीक है। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ इनिंग्स, तो नया नया अभी 3 इनिंग अभी खेला था ना, देखो ये कैसे आएगा 28, 24, 37, 3 नया इनिंग खेला है, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा आपका 30, आंसर आ गया। 11 देखिएगा, इफ ए बैट्समैन मेक 87 रन्स इन द 17th इनिंग्स ड्यू टू विच एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 3 रन्स, फाइंड द प्रेजेंट एवरेज, सॉरी फाइंड द प्रेजेंट एवरेज रन, सवाल ये था, ठीक है। तो इसमें आप कैसे बनाओगे, इसमें हम दूसरा मेथड से बना लेते हैं जिसमें हम लोग पहले वाला मेथड अडॉप्ट किए थे, कोई मेथड से बनाओ आपकी मर्जी है, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या होगा, 16 87 बनाया 17 इनिंग में, उसके कारण 3 नंबर का 3 मार्क्स, सॉरी 3 रन बढ़ गया है, ठीक है। तो आप मान लो कि 16 इनिंग का जो होगा एक्स, मान लेते हैं हम लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आपको क्या हो जाएगा, यहां पे लिखिए 16x प्लस 87, ठीक है, एवरेज इससे कितना बढ़ गया, एक्स मल्टीप्ल एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस 3 से बढ़ा, इतना इनटू आपको करना पड़ेगा 17, 17 इनिंग है, ठीक है, सॉल्व कर लो भाई, तो आंसर आ जाएगा एक्स इजकल टू 150, ठीक है। बट 150 में आपको, सॉरी ये आ जाएगा एक्स इजकल टू 36, मैं सिंपली आंसर लिख रहा हूं आपको, आप बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे आप, ठीक है, 36 हो गया, बट आपसे पूछा है वर्तमान का, तो यहां प्रेजेंट एवरेज, प्रेजेंट एवरेज क्या हो जाएगा भाई, 36 प्लस 3 कर दीजिए तो 39 हो जाएगा, क्लियर हो गया, 36 प्लस 3 कर देंगे 39 हो जाएगा, ये आपको समझ में आया। दूसरा तरीके से हम आपको बना के दिखा देते हैं, एक और तरीका है हमारे पास, अभी आपको पता है कि 87 आपका एवरेज स्कोर है, तो 87 रन बनाया 17वां इनिंग में, 17th इनिंग में, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है, और 3 रन से उसका एवरेज स्कोर बढ़ जाता है, यही ना है, तो यहां पे माइनस लिखो, बढ़ जाता है जब भी होगा तो माइनस लिखेंगे, 17 करो से कितना, हर इनिंग में बढ़ जाता है ना, तो 17 इनिंग खेला 3 रन से बढ़ रहा है तो उसने माइनस कर दिया, विच इज इक्वल टू 51, बट माइनस सॉल्व करिए 36, ये आपका 36 इनिंग हो गया। अब आपको उसमें 36 इनिंग में 3 इनिंग नया भी ऐड कर दीजिए जिसका जिसके कारण से रन बढ़ रहा है 39, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं बैट्समैन मेक्स एन एवरेज स्कोर इन 11 इनिंग्स, तो बैट्समैन ने एवरेज स्कोर किया 11 इनिंग्स में, द बैट्समैन स्कोर 19 से 12th इनिंग, 12वां इनिंग में, जिसके कारण एवरेज स्कोर घट जाता है 5 रन, तो पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट
एवरेज क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसी तरीके से बनेगा। तो 11 इनिंग में एक्स मान लेते हैं, 11 इनिंग खेला, उसमें जो उसका स्कोर रहा होगा वो एक्स मान लीजिए, प्लस 90 रन भी ऐड करिए 12वां इनिंग में, यानी जो एवरेज उसका एवरेज स्कोर होगा वो एक्स था, बट वो कह रहा घट गया, तो -5 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, 12 हो गए टोटल इनिंग, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स बराबर 150। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है, 5 रन, तो -5 कर लो, आ गया 145। एक तरीका तो ये है पढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या है कि कितना स्कोर है 12th इनिंग में, तो 90 है भाई, 12th इनिंग में 90 स्कोर है ना। बोलता है कि एवरेज स्कोर घट जाएगा 5 रन, ठीक है घट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस करोगे, ठीक है जस्ट उल्टा होता है, मल्टीप्लाई भी कितना इनिंग होगा 12, विच इज इक्वल टू 60, दोनों को ऐड कर दो 150, -5 कर दो, 5 रन घट जाता है ना, इसलिए 145। देखिए आंसर आया, जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ए बैट्समैन स्कोर्स फॉर इन 40 इनिंग्स एन एवरेज ऑफ 50 रन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम रन इज 172, इफ द स्कोर इफ द बोथ इनिंग्स दैट इज मैक्सिमम मिनिमम स्कोर आर रिमूव्ड देन द एवरेज स्कोर रिड्यूसेस टू 48, फाइंड द मैक्सिमम स्कोर। बोलना चाहता है कि 40 इनिंग खेला, 40 इनिंग का एवरेज 50 रन है, ज्यादा और न्यूनतम मिनिमम और मैक्सिमम रन जो बनाया 172 रन का डिफरेंस है, बोलता है कि बहुत इनिंग में मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर जो है दोनों को रिमूव कर देते हैं, तो एवरेज स्कोर जो है आपका घट के 48 हो जाएगा, 48 कैसे बनेगा। तो देखिए बनाने का बहुत आसान सा तरीका है, कितना इनिंग खेला है, 40 इनिंग खेला, तो 40 इनिंग को आप मल्टीप्लाई कर लो, 40 × 50 एवरेज स्कोर था तो 200 आ गया। फिर बोलता है कि दो पारी तो नहीं खेलेगा ना, मैक्सिमम और मिनिमम को हटा दिए, तो दो पारी हटा दिए, 38 -40 -2, दो इनिंग हो गया ना, मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम दो इनिंग होते हैं, 40 -2 कर दीजिए 38 आ गया, यानी 38 को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा 48 से, क्योंकि स्कोर घट गया है, 48 हो जाता है एवरेज, तो आंसर आ जाएगा आपका 1824, यहाँ पे 2000 है, 1824। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए, 176, ये आया आपका नंबर 176, एक हो गया हाईएस्ट प्लस लोएस्ट से इतना आया नंबर 1, और एक और पता है मुझे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का कितना है, सॉरी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, प्लस नहीं है जी माइनस है, तो 172। ठीक है, अब आपको सॉल्व कर लो, कहा गया नंबर 2 है, अगर आप 1 + 2 करते हो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2h इज इक्वल टू, आप जब ऐड करिएगा तो 8 14 3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 174, यानी हाईएस्ट स्कोर हो गया 174 और लोएस्ट स्कोर हो गया, घटा दीजिए सीधा तो आ जाएगा 2। एच आ गया ना, एच का वैल्यू अब 1 में डाल दो, तो 174 डालोगे तो लोएस्ट आ जाएगा नंबर 2, दो नंबर दो मार्क्स सॉरी दो स्कोर, तो मैक्सिमम स्कोर बोला था, मैक्सिमम स्कोर 174, इतना ही हमको फाइंड करना था, लोएस्ट की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एन एवरेज स्कोर ऑफ 30 रन इन 42 इनिंग्स बाई द बैट्समैन, इफ द स्कोर एवरेज इफ द स्कोर डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100, इफ वी रिमूव द स्कोर ऑफ दिस टू इनिंग्स द एवरेज स्कोर इज 28, फाइंड द मैक्सिमम स्कोर, है ना मैक्सिमम पूछ रहा भाई, कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये इसका कैरियर का इनिंग हो गया, पूरा कैरियर भर में जितना खेला हो उसका,
और न्यू इनिंग। ठीक है, अब कैरियर में उसने कैसे क्या किया है वो देख लीजिए। सॉरी, एक काम कर लीजिए, इसको आप ऐसे नहीं, हम दूसरे तरीके से बनाते, इसका जरूरत नहीं। कितना रन बनाया है? 42 इनिंग में वो 30 रन का एवरेज बनाया है, तो आ गया 1260। दूसरा देख लीजिए, 40 इनिंग में, दो इनिंग हटा दिया ना मैक्सिमम मिनिमम वाला, सेम है उसी तरीके से बनेगा, 40 × 28। ठीक है, यही एवरेज स्कोर है, 1120 आ गया आंसर, 1400 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये हो गया हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का एक आपका आ गया। दूसरा देख लो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 2। अगर आप 1 + 2 करेंगे, ठीक है, तो आपका हाईएस्ट का स्कोर आ जाएगा 120 और लोएस्ट का स्कोर आ जाएगा 20। तो उच्च स्कोर पूछा है, सॉरी हाईएस्ट मैक्सिमम स्कोर पूछा है, तो 120। ठीक है, सिंपल सा था यार, इसमें कुछ भी नहीं था, खाली सॉल्व करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलना चाहता है। 12.4 रन पर विकेट इज द एवरेज ऑफ द बॉलर इफ द बॉलर बॉल टेक्स 10 विकेट्स एंड द गिव्स 52 रन, देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 0.4। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स एट प्रेजेंट। समझ में आया? बोलता है कि 12.4 जो है विकेट लेने की क्षमता है एवरेज, जो उसका एवरेज है बॉलर का। बोलता है किसी एक इनिंग में बॉलर ने 10 विकेट ले लिया, ठीक है, तो उसके कारण एवरेज कितना भाग गया है? 52। बोल रहा है कि उसके कारण एवरेज भी इंक्रीज 52 रन देख के वो लिया है 10 विकेट, तो एवरेज बढ़ गया 0.4 से। बोला नंबर ऑफ विकेट कितना है, यहाँ आप कैरियर लिख लो, यहां लिख लो आप न्यू इनिंग्स, क्लियर, यहां पे लिख लो पूरा कैरियर भर में 12.4 लाया, क्लियर हो गया। नया इनिंग 12.4 रन पर विकेट है, यहां क्या हो जाएगा, 52 रन दिया था, बाई 10 कर दो पर विकेट के लिए, तो 5.2 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे आपका एक एवरेज होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ यहाँ एवरेज होगा, नॉट वहाँ, ठीक है, इसको ऐसे। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा 0.4 से, तो 0.4 यानी 12.4 माइनस 0.4 ये हो जाएगा आपका 12। यहाँ क्लियर आया, 12 हो गया, अब 12 हो गया 5.2 और 12 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 6.8। दोनों को सॉल्व करिए, यहां आ जाएगा 17 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और अब आपको ध्यान देना है, यहां पे कितना विकेट लिया था, 10 विकेट लिया, यही ना था, 10 विकेट लिया था, और यहां पे भी 10 विकेट लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 170 प्लस, इसको प्लस करिए, 170 प्लस 10 इज इक्वल टू 180, 180 विकेट अभी तक उसने लिया है। हेलो, अच्छा वो आपका मैसेज आया हुआ था ना, इसलिए मैंने फोन किया होगा। हाँ,